मैं हूँ मीनाक्षी और मेरे चैनल का नेम है मीनाक्षी जांगड़ा। आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो लिया है इंग्लिश, पूरी क्लास 1-2 के लिए है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो वर्ब के साथ एस या ई एस हम बच्चों को बताते हैं कि यहाँ पे एस आना, वर्ब के साथ एस आएगा, यहाँ पे ई एस आएगा, तो वो एस या ई एस क्यों हम लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ब के साथ एस या ई एस का कब यूज होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बुक ली है, इसमें मैं यहाँ आपको कुछ सेंटेंस रीड करके दिखा रही हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे गो। वी गो टू द मार्केट बाय कार। ही गोज टू स्कूल बाय बस। आई डू माई वर्क बिफोर आई गो टू बेड। सी डज हर वर्क नीटली। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गो आया, यहाँ पे गो, यहाँ पे गोज, यहाँ पे डू, यहाँ पे डज। तो ये वर्ब के साथ एस या एस क्यों आता है, ये एक ग्रामर का रूल है। अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है, या ही सी इट है, तब हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। मान लो हमारा सब्जेक्ट ही है, तब हम वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, एस या ई एस। सी है तब भी वर्ब के साथ एस या ई एस यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे एस या ई एस क्यों कह रही हूं, मान लो यहाँ पे क्या आया, गोज आया, तो यहाँ पे क्या है, ओ। जब हमने नंबर सीखे थे सिंगुलर एंड प्लूरल जब हमने सीखा था, तो उसमें एक रूल है ना कि एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, किसी वर्ड के लास्ट में ये आपको लेटर दिखाई दे तब हमें ई एस लगाना होता है, ठीक है। तो वो रूल भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ओ है तब हमने ऐड किया ई एस। तो यहाँ पे आपने सीखा कि जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही सी इट, यहाँ पे इट नहीं दिया हुआ, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तब हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। अब आपको ये तो पता है एस या ई एस का यूज हम सिंगुलर एंड प्लूरल जब हम बनाते हैं तब जो रूल है उसके, उस रूल को हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आई, आई सिंगुलर है, बट आई के साथ जो वर्ब आती है उसके साथ हमेशा एस या ई एस नहीं लगता, ठीक है। वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन हो तब वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। आपने यहाँ पे जो ग्रामर का रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, ओ, या कोई भी सिंगुलर नाउन है तब वर्ब के साथ एस या ई एस यूज होगा, और एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, जब हम सिंगुलर एंड प्लूरल जब सीखते हैं, नंबर सीखते हैं, उसमें रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वी, यू, दे, आई, आई सिंगुलर है, बट आई के साथ अगर वर्ब जो भी आती है उसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। ही, यहाँ पे टू हमें वर्ब्स दी हुई है, सिंग एंड सिंग वेरी वेल, तो यहाँ पे देखिए कौन से वर्ब यूज करेंगे, यहाँ पे तो एस लगा हुआ है और यहाँ पे एस नहीं है। अब आपने यही सीखा था अभी कि क्या है, ही से इट हो तो यहाँ पे क्या है, ही है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे जी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, सिंग्स। द क्लॉक टेल्स अस द टाइम। अब हमारा सब्जेक्ट एक, ठीक है, सिंगुलर नाउन है ना, तब हम अगर कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है, तो हम ये लेंगे, सी क्लैप्स, क्लैप हर हैंड्स व्हेन सी इज हैप्पी। तो अभी यहाँ पे क्या है, सी, जब भी सी आएगा तब वर्ब के साथ एस या एस जरूर आएगा, तब हम अब ये वर्ब यूज करेंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स,
ईट या ईट्स डिनर एट 8 o'clock. ओके, तो यहां पे आप बताइए क्या आएगा, ईट्स या ईट. यहां पे देखिए ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा आया है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्लूरल, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, ईट. दे पेंट या पेंट विद वॉटर कलर्स, तो यहां पे क्या हुआ है, आया है दे. दे अगर दे हो या कोई भी प्लूरल नाउन हो तब वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता, तो यहां पे आया है दे, तो हम यहां पे यूज करेंगे पेंट. सिक्स क्या है, आ टेलर स्टिच स्टिचेज क्लोथ. ओके, तो यहां पे देखिए आ टेलर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तब हम यूज करेंगे स्टिचेज. अब ई एस आया क्योंकि इस वर्ड के पीछे देखिए अब सी एच है, ठीक है, जब भी वर्ड के लास्ट लेटर सी एच होगा तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे. ओके, द चिल्ड्रन रिमेंबर्स द स्टोरी आई टोल्ड देम. तो यहाँ पे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपको पता है ये क्या है, प्लूरल है, तो अब हम यहाँ यूज करेंगे रिमेंबर. मदर सिट सीट्स ऑन द चेयर एंड नीट नीट्स. हमें सिर्फ क्या देखना है, सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मदर, ये है एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हो तब वर्ब के साथ एस ए एस लगता है. एंड नीट या नीट्स, तो सिंगल मदर है वो क्या कर, नीट ही कर रही है ना, हमने यहाँ पे यूज किया था सीट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम नीट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हम यूज करेंगे नीट्स, क्योंकि जो मदर है हमारी वो क्या है, सिंगुलर नाउन है. ओके, ये बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है, उसमें जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, ये आप ध्यान दो. जब भी आप बच्चे को घर पे टीच करते हैं, रीडिंग वगैरह करवाते हैं, तो आप जो आज हमने रूल सीखा है, तो उस टाइम आप जरूर बच्चे से डिस्कस करें, तभी बच्चा ये रूल समझ पाएगा, क्योंकि एक बार करने से बच्चा समझ नहीं पाएगा, क्यों, फर्स्ट और सेकंड के बच्चे काफी स्मॉल होते हैं, तो धीरे धीरे हमें उसको प्रैक्टिस करवानी होती है बच्चे से. तो जब भी आप रीडिंग करवाएं बच्चे से, तब बच्चे जब एस आया है, ई एस आया है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या होते हैं, तो इन चीजों की डिस्कस करनी बहुत जरूरी होती है, तभी बच्चे को ग्रामर के रूल समझ में आते हैं. तो लास्ट में एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ आज हमने क्या सीखा. तो आज हमने सीखा कि वर्ब के साथ एस या एस कब आता है, तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट है, ओके, ही सी इट प्रोनाउन होते हैं और कोई भी सिंगुलर नाउन है, तब वर्ब के साथ हम एस या एस का यूज करेंगे. अब आपको ये पता है एस कहाँ पे लगाना है, एस कहाँ पे लगाना है, जब हमने नंबर बनाने सीखे थे सिंगुलर एंड प्लूरल, तब हमने ये रूल डिस्कस किया था, तो ये आप, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं. और फिर अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे, ओके, या भी कोई भी प्लूरल नाउन हो, ठीक है, कोई भी प्लूरल नाउन हो, तब हम उसके साथ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते. आई होप ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफी यूजफुल रहेगी. थोड़ा भी अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर. थैंक यू.